गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज सुबह के बजे हुए अभी 10 और बाकी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। वैष्णवी भी गई हुई है नीचे, वैष्णवी के पापा गए हुए हैं अपनी जॉब पर। और गाइज अभी मैं ना थोड़ा सा काम कर रही थी तो मुझे ना कुछ कपड़े मिले थे, क्योंकि जब मैं घर पर गई थी ना तो वहाँ से मिले थे। जो मम्मी के कपड़े हैं मम्मी को दूंगी और जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने लगा दिए हैं जो घर से मिले। आपको दिखाऊंगे तो फिर बोलते हैं अपनी ननद को जो देते हैं वो तो दिखाती नहीं, और खुद के जो अपने मायके से मिलते हैं वो दिखाते हैं। तो इसलिए मैं अपने कपड़े नहीं दिखाऊंगी आपको मुझे क्या मिला है, ठीक है, क्योंकि मैं पिछली बार सोच रहा था जब मेरे पास कमेंट आए थे। हाँ, अगर आपको देखने होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं दिखा दूंगी मुझे क्या क्या मिला है मेरे मायके से, ठीक है। तो मम्मी जी हल्के कपड़े मैं देने जा रही थी और कमेंट में ये भी आ रहे थे, तो तुम्हारी जो ससु मम्मी है, मतलब बहुत कमेंट आए थे, दो तीन ब्लॉग डाले थे, दो तीन ब्लॉग पे आए थे मेरे पास कमेंट। तुम्हारे सासू मम्मी जो है तुम्हारे घर पे तो आई जागरण में, सॉरी गाइस मेरा हाथ दुखने लग गए, यहाँ पे तो मेरे पास ना कमेंट आए थे, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे जो है जागरण में तो आई नहीं और तुम्हारे ताऊ जी के जागरण में आई। तो इसका ये ना बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। ये इसका आंसर क्या है, उस टाइम पर नवरात्र चल रहे थे जिस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो है जागरण था, तो मैं यहाँ पे बोल कर गई थी कि जोत लगेगी, मातारानी आ रही थी ना, तो एक तो मातारानी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते थे, कोई ना कोई रहता, इसलिए मेरी जो जेठान जो मेरी दीदी है वो चली गई थी सामली जागरण में। दीदी और भाई साहब दोनों आ गए थे और यहाँ पर मम्मी पापा ही थे, उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारे तो आओ जी के यहाँ पर जागरण होगा ना हम तब आ जाएंगे, तो चलो ये भी ठीक था क्योंकि मातारानी को अकेले नहीं छोड़ के आ सकते। और पता ही इन्होंने क्या किया, मुझे तो बोल दिया था कि हम जोत लगाएंगे पर इन्होंने जोत नहीं लगाई थी गाइस। और इस बार ना बस आपने एक बार ना जिसे जिसे पता होगा ना कमेंट करके ना ये बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं हर साल जोत जलाती थी, जब से मेरी शादी हुई है ना मैं हर नवरात्रों में जोत जलाती थी अखंड जोत, तो इस बार ना मैं सामने चली गई थी, मैंने सोचा ये लगा देंगे, इन्होंने लगाई नहीं, बल्कि इन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैं लगा दूंगी, फिर इन्होंने पता नहीं किसी कारणवश जो है लगाई नहीं इन्होंने जोत, जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी उस वजह से लगाई नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा एक बार, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना टेंशन हो रही है कि भाई मातारानी गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि जब मैं हर साल साल में दो बार आती, हर मतलब साल में दो बार जरूर लगाती थी अखंड जोत, इस बार नहीं लगी है, बस मैया रानी माफ़ कर दियो। तो अभी जा रही हूँ मैं मम्मी को नीचे कपड़ा देने के लिए जो लेके आए थे, अब मैं जल्दी से निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो जो कपड़ा है। तो भाई कपड़े ये है, तो मम्मी को ना मम्मी ने पसंद करवाया था वीडियो कॉल पे सूट, तो ये वाला सूट मम्मी को पसंद आया था, ये सर्ग का सर्ग बोलते हैं ना सूट, मतलब सलवार भी ऐसी और सूट भी ऐसा, तो वाला सूट है ये, मम्मी को वीडियो कॉल पसंद कराया था, मम्मी को यही पसंद आया था, ठीक है। और ये पापा जी का जोड़ा दूल्हा दुल्हन वाला, और ये ताई जी की तरफ से ये वाला आया है, और ये वाली साड़ी, ठीक है। तो ये जल्दी से कपड़े मम्मी को दे के आ जाती, चाँ चाँ की आवाज़ आ रही होगी इसकी पन्नी की, तो ये वाले जल्दी से मम्मी को कपड़े दे के आ जाती, अब तक मैंने मम्मी को कपड़े दिए नहीं है। अगर आपको मेरे भी कपड़े देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नाम में धरना बिल्कुल भी, क्योंकि पिछली बार अपनी ननंद को तो देते नहीं, अपनी ननंद का जो देते वो तो दिखाते नहीं है, खुद के दिखाते हो, इस वजह से मैं अपने दिखाए वैष्णवी रोजी बाद मिलती हूँ गाइस। तो अभी वैष्णव के पापा आए हैं थोड़ी देर के लिए वैष्णव की दवाई लेके, और ये इनकी गोदी में से उतर नहीं रही है बिल्कुल भी, मैं बोली उतर जाए तो बोलती है ना वैष्णवी, मुंह में साथ निकल लो पहले बेटा, वैष्णवी पापा जी को जाने दो पापा जी को, फेस देखो ना पापा जी को नहीं जाने दे रही है अपने पापा जी, बाबू दवाई दवाई इसने वो भी नहीं ली थी जो आप सुबह दे गए थे ना, पिंक वाली लस्सी ली थी, कहीं की थी वो अच्छा। अभी तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ बस अभी नीचे, यहाँ पर विधान तो सो रहा है, देखो ऊपर ही आता है, 3 दिन हो गए लगातार ऊपर ही आके जो है सो जाता है, और वैष्णवी लगी हुई है बाहर, इसने इतना परेशान कर रखा ना, जो माता रानी की शराई रखी थी ना जिसमें आटा रखा था वो इसने पानी में भिगो दिया, मम्मी का जो दिया था वो पानी में भिगो दिया, और आटा लेके पता नहीं इसे कच्चा आटा खाने के क्या शौकीन है, कच्चा आटा खा लिया, देखो भगवान जी आइयो वैष्णवी की पिट्टी करियो, आओ जल्दी, ये देखो पेट में जम जाएगा, चलो आपका फेस वॉश कर देती हूँ, एक चाटा बहुत रहेगा, हनुमान बाबा आइयो, बुलाओ हनुमान बाबा को, इसका सोट्टा मारो, मार इसका सोट्टा, अब हनुमान बाबा जी आओगे इसका सोट्टा मारेंगे,
नहीं मम्मी क्या अब हनुमान बाबा सट्टा मारेंगे तब मम्मी बहुत पिट्टी करेंगे हनुमान बाबा कितने मजे से खा रही है चाट चाट के। तो गाइस अब बस मैं नीचे चलती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ शाम की। पता नहीं शायद आज पपीता बनता दिखा पपीता रखा है जो भी बनेगा वो आपको बताऊँगी शाम के खाने में क्या बनेगा है ना मेरे गुड्डू। वैष्णवी की तबीयत गाइस अभी ठीक है वरना तो दो तीन दिन से इतने परेशान होते ना बहुत ज़्यादा। मेरी गुड्डू ठीक है चलो चले दादू आवाज़ लगाते ना चलो मैं भैया को गोदी लूँगी आप चलना नीचे को दिलूंगी उसे भी खुद दिलूंगी। नहीं नहीं चलो तो गाइस चलते हैं। सो गाइस क्लीनर से आ चुका था मैं और मेरा वेट कर रही थी कमरे में और अभी गोरा का पट्टी गया उसने बताया था ना कि क्या नाम पैर जल गया था तो भाई बहुत मुश्किल में पट्टी करवाई जरा गड्ढा हो रहा देखा मैंने आधा इंच गड्ढा हो रहा सबके सामने पट्टी करवाने के पीछे भाग गए थे मेरा भी कर दो मैं पता नहीं क्या शौक सामान ने यहाँ कुछ बढ़िया चीज़ है वो देखो पट्टी होगी गोरा के खाओ क्या हुआ कुकू कितना मारा नहीं 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 एक बंदा फिर एक बंदा उत्ता फिर पट्टी वहाँ से मैं कहता नहीं क्या मजा आवे है नहीं खोला पा इसे भी देख लो पीपी चला लो अपनी बोरी पीपी आपकी सोना बोरी पीपी चला लो बंदूक चला लो बंदूक हाँ बंदूक चला लो आज इसकी उंगली भी तोड़ दी आज नहीं टूटेगी बेटे जब बात नहीं मानने किसी की लगा इसके भी यार यो मेरा छह बहुत तगड़े वाली लग तो उंगली काट दे साले को ओ तू डर क्यों फिर तो फिर रुक मेरा बंद मेरे लगाओ कह रहा क्यों फिर पट्टी करो मेरे जब डर लगा है अरे कुछ नहीं है मैं बैठे इतनी बड़ी कंची क्यों लाया इससे तो उंगली कट जाए अरे नो हाँ आपका ही बोल देख लो उनके ड्रामे बिना बात की पट्टी करवानी क्यों नहीं रुई रुई लेगा पट्टी जो नहीं रुई कहा दवाई है या ठीक करने वाली सबके सब रोते फिर गए ओए बस ये कहीं ठंडे वाली अब रात को ना ये उंगली अपना गायब हो जा ठीक कर दे सारी चोटियों ठीक है पता नहीं चलने का पट्टी डालने की वहाँ ए पट्टी दे दादू को पट्टी देगा दादू को देखो भैया के बंदे में हाँ आपके भी बंदे में जाओ जाओ देखो आज यहाँ बैठ जाओ आप जाओ दूध लिया हमारे साथ हाँ और ये पता नहीं तुझे कहीं गिरता पड़ता फिर हो जाए सरकारी आदमी सरकारी सांड ने कहीं टक्कर मारता फिर जाए वो